हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को श्री बालाजी प्रकाशन का ग्रामर की बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज करवाएंगे। चैप्टर नंबर 6 का नेम है वर्ब, या चैप्टर क्रिया के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। ग्रीन वेजिटेबल्स इज यूजफुल फॉर अस, हरी सब्जी हमारे लिए उपयोगी है, फायदेमंद है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक अध्यापक हूँ। ही वॉज ए टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का था। सी हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ट्रेन रन्स फास्ट, रेलगाड़ी तेज दौड़ती है। ही किल्ड ए रैट, उसने एक चूहा मार दिया। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखी। ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी सहायता की। सी टाट मी, उसने मुझे पढ़ाई। उपरोक्त वाक्यों में बोल्ड लेटर्स में छपे हुए शब्द वर्ब हैं। ए शब्द दशा, स्टेट, कार्य, एक्शन, प्रक्रिया, प्रोसेस एवं परिवर्तन, चेंज दिखाते हैं। ए शब्द वर्ब हैं। परिभाषा, वर्ब किसी काम का करना या होना बताती है। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य सार्थक नहीं होता है। यदि वाक्य एक ही शब्द का बना है तो वह वर्ब ही होगा, जैसे कम, आओ, डू इट, यह कार्य करो। और तीसरा है वेट, इंतजार करो। वर्ब कई प्रकार की होती है। वर्ब काल का बोध कराती है, काल के अनुसार ही यह अपना रूप बदल लेती है। नीचे लिखा हुआ है नोट में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को इस पुस्तक में सुविधा के लिए V1, सेकेंड फॉर्म को V2 एवं थर्ड फॉर्म को V3 भी लिखा गया है, जो अक्सर सभी की जानकारी में है और अक्सर लिखी जाती है, बोली जाती है। यद्यपि यह स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल नेम्स नहीं हैं। आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है फाइनाइट वर्ब, या उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, अथवा उसे हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। सेकंड है एक्सिलरीज वर्ब, अथवा इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में देखेंगे। ये कुल 4 तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कर्म आता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कोई कर्म नहीं आता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रिया। और अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सहायक क्रिया भी दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनकी संख्या 11 होती है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या 13 होती है। हालांकि यहाँ पर 13-13 दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग और बीन को बढ़ा दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। फाइनाइट वर्ब में आपको ऊपर बताया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया गया है किल, गिव, साइन, एक्स्ट्रा,
सेकंड यहाँ पर अकर्मक क्रिया में दिया वीप, रिंग, स्लीप, एक्स्ट्रा, और लिंकिंग वर्ब में दिया यहाँ पे इज, एम, वाज, लुक, एक्स्ट्रा, और फ्रेजल वर्ब में यहाँ पे दिया है गिव, फाइंड अप, फाइंड आउट। एडजेक्टिव वर्ब की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी एडजेक्टिव वर्ब दिया है बी हैव डू, ए मेन है, बी हैव डू ए मेन है, बे के रूप में इज, एम, आर, वाज और वर होता है। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड होता है, और डू के अंतर्गत डू, डज, डिड होता है। मॉडल एडजेक्टिव वर्ब में विल है, शैल है, कैन है, मे है, और भी इनकी संख्या है। जैसे विल का पास्ट वुड होता है, शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, इसी तरीके से और भी हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट में सबसे पहले पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी तीन तरीके के होते हैं। पहला यहाँ दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी वन प्लस आईएनजी, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं। जैसे यहाँ पे प्ले से प्लेइंग हुआ, रीड से रीडिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे वी थ्री है, जैसे टेकन, ईटन, इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही कहते हैं। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे दिया हैविंग डन, हैविंग ईटन, एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पर जिरंड दिया है, जिरंड में भी वन प्लस आईएनजी, जैसे हेल्पिंग और डूइंग। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर भी वन प्लस आईएनजी है और जिरंड में भी वन प्लस आईएनजी है। अब इसमें अंतर ये है कि इसका काम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका काम जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव का होता है अथवा एडवर्ब का होता है। ये दो तरीके का काम करता है सेंटेंस में, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर वो एडवर्ब के रूप में आएगा। और जो जिरंड होता है, अगर उसमें हम भी वन प्लस आईएनजी लगा दें तो जिरंड होता है, लेकिन इसका काम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। या तो कर्ता का काम करेगा या फिर कर्म का काम करेगा, उसको हम जिरंड बोलते हैं। तीसरा है नॉन फाइनाइट का इन्फिनेटिव, टू प्लस भी वन। यदि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो वह नाउन हो जाता है। जिस तरीके से जिरंड काम करता है सेंटेंस में, ठीक उसी तरीके से इन्फिनेटिव भी करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर टू गो दिया है, टू प्ले दिया है, यहाँ पे दिया भी वन इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से पार्टिसिपल की संख्या तीन होती है, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके के होते हैं। पार्टिसिपल, इसके अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। उसके बाद बी यहाँ पे जिरंड और सी यहाँ पर है इन्फिनेटिव। आगे लिखा हुआ है नोट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एवं जिरंड का रूप एक सा है, भी वन प्लस आईएनजी, किंतु कार्य अलग अलग है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के रूप में काम करता है, और जो जिरंड होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स को फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, किसी भी नाम से हम इनको जान सकते हैं। चाहे हम फाइनाइट वर्ब बोलें या फुल वर्ब बोलें, प्रिंसिपल बोलें, मेन बोलें, सभी का मतलब एक ही है। फाइनाइट वर्ब के चार प्रकार होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब उसे कहते हैं जब मेन वर्ब के में किसी प्रीपोजिशन का सहारा लेकर के एक दूसरी क्रिया बना दिया जाए, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गिव मीन्स होता है देना, लेकिन अगर हम गिव के साथ अप लगा दें, गिव अप, तो उसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा छोड़ देना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा है रीड द सेंटेंस केयरफुली, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द बॉय प्लेज क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है।
क्या खेलता है? उत्तर में मिलेगा हमें क्रिकेट, तो यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड है सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की, तो किसकी सहायता की? मेरी। तो यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हेल्प हमारा सकर्मक क्रिया है। ठीक इसी तरीके से ही किल्ड ए रैट, उसने एक चूहा मार दिया। क्या मार दिया? अ रैट। ये हमारा सकर्मक क्रिया। और लास्ट यहाँ पे आई एट ब्रेड, मैंने ब्रेड खाया, तो क्या खाया? ब्रेड। तो इस तरीके से ये हमारी सकर्मक क्रिया है, चारों प्लेज, हेल्प्ड, किल्ड और एट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट इसमें सेंटेंस में आए हुए हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग होता है। उपरोक्त वाक्यों में कार्य का प्रभाव कर्ता पर समाप्त नहीं होता, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्या पॉइंट्स? वर्ब की तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, इफिक्स है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसका स्थान क्रिया के बाद में ही होता है। ऑब्जेक्ट अक्सर नाउन या प्रोनाउन होता है, किंतु जिरंड या नाउन क्लाज भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही आए, उसके स्थान पर जिरंड अथवा नाउन क्लाज भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आई सोल्ड ए हाउस, मैंने घर बेच दिया। क्या बेच दिया? घर बेच दिया, मकान को बेच दिया। तो अभी जो हाउस यहाँ पे वर्ड है, ये नाउन है और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। रीता हेल्प्ड मी, रीता मेरी सहायता की। अब यहाँ पे मी हमारा प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। दे द बॉय वांट्स टू प्ले, इन्फिनिटिव। अब क्योंकि नाउन का रूप है, द बॉय वांट्स, लड़का चाहता है टू प्ले, खेलना चाहता है, तो ये हमारा टू प्ले जो है नाउन क्लाज है, सॉरी इन्फिनिटिव है ये हमारा, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। रीता कांट लर्न कुकिंग, रीता कुकिंग नहीं सीख सकती। यहाँ पर कुकिंग हमारा जिरंड है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और यहाँ पे पांचवा है, रफीक सेड, रफीक ने कहा, डैट ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट, कि वह क्रिकेट नहीं खेल सका। तो रफीक ने क्या कहा? उत्तर में हमें मिलेगा कि वह क्रिकेट नहीं खेल सका। यह पूरा पार्ट जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये नाउन क्लाज है। इस तरीके से अब ये कंफर्म हो गया कि जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है सेंटेंस का, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, अथवा नाउन क्लाज भी हो सकता है। अब हम आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा किए। यहाँ पे उसका नाम दिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव पदार्थ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव पदार्थ। सामान्यतः सजीव ऑब्जेक्ट पहले आता है एवं निर्जीव ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे जॉन गेव मी अ पेन, जॉन ने मुझे एक कलम दिया। तो क्या दिया? एक कलम दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो मी हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें, तो मी हमारा सजीव है, पहले आया। ए पेन हमारा निर्जीव है, बाद में आया। इसी तरीके से आई बॉट माई सन ए कार, मैंने खरीदा माई सन ए कार, बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए एक कार खरीदा। तो क्या खरीदा? एक कार। ये हमारा निर्जीव है जो कि बाद में आया। माई सन जो सजीव है, ये पहले आया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। अब कह रहा है यहाँ पे वाक्य एक में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तथा ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार वाक नंबर 2, 3, 4 में माई सन, मी एवं हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तथा ए कार, इंग्लिश एवं ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं, ऐसे क्रियाएं जिनके साथ कोई कर्म नहीं आता है। जैसे ही स्टैंड, वह खड़ा होता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय स्लीप, लड़का सोता है। द गर्ल लाफ्स लाउडली, लड़की तेजी से हंसती है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं।
प्लांट्स ग्रो, पौधे बढ़ते हैं। जितने भी बोल्ड में यहाँ पर प्रिंट हुए हैं ये सभी वर्ब हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे रीता वॉक्स, रीता टहलती है। पहला पॉइंट है, कुछ वर्ब सिर्फ इंट्रांजिटिवली ही प्रयोग की जा सकती हैं, ट्रांजिटिवली नहीं। जैसे कम है, गो है, लाई है, स्लीप है, फॉल है, डाई है, एज। ऐसे भी और भी वर्ब हैं जिनका यूज हम लोग सकर्मक क्रिया के रूप में नहीं कर सकते हैं, अकर्मक क्रिया के रूप में ही होगा। ही डाइड, वह मर गया। सी स्लेप्ट, वह सो गए। दे गो, वे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अधिकतर वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ए वर्ब इंट्रांजिटिवली भी प्रयोग किए जा सकते हैं, अतः यह कहना ज़्यादा उपयुक्त है कि अमुक वर्ब ट्रांजिटिवली प्रयोग हुई है या इंट्रांजिटिवली। हाँ, कुछ वर्ब सिर्फ ट्रांजिटिवली ही प्रयोग हो सकती है, जैसे कम, गो, फॉल आदि। अब यहाँ पे देखें, क्रिया एक है प्रत्येक सेंटेंस में, लेकिन उसका यूज जो है दो तरीके से दिया गया है, सकर्मक क्रिया भी है और अकर्मक क्रिया भी है। जैसे सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलती है। यहाँ पे स्पीक्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसी को अगर हम इस तरीके से लिखें, सी स्पीक्स लाउडली, वह तेजी से बोलती है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे स्पीक्स हमारा इंट्रांजिटिव है। ठीक इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में, क्या निम्न वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को इसमें से टिक करते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो सभी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, राजेश फीड हिज डॉग, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय गोज आउट ऑफ द क्लास, द गर्ल्स बीप्स, राजू वॉक अलॉन्ग द रोड, द डॉग बार्क्स, टाइगर रन फास्ट, आई सॉ राजेश, ये हमारा ट्रांजिटिव है। ही सोल्ड हाउस ट्रांजिटिव वर्ब है। ही वॉशेज हिज शर्ट, उसने अपने कपड़े को, वह अपने कपड़े को धोता है, ट्रांजिटिव है। द मून राइजेज एट नाइट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, योर फ्रेंड हेल्प्ड अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सकर्मक क्रिया है। ही गोज़ टू स्कूल, वर्क इज वर्शिप। अब यहाँ पर जिनको भी हमने अंडरलाइन किया है, सेकेंड, एट, नाइन, टेन और थर्टीन, ये सभी नंबर वाले जो हैं सब सकर्मक क्रिया हैं। शेष जो बचते हैं वो अकर्मक क्रिया हैं, जिनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, निम्न वाक्यों की क्रिया ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, सॉरी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट बताएं। तो चलिए देखते हैं, आई सा हिम इन द रूम, यह सा हमारा सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है। ही बाथड इन द रिवर, नहीं है इसमें। सी हेल्प्ड मी, यहाँ पे हेल्प हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। डोंट पनिश हिम, यह भी हमारा सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे पनिश हमारा सकर्मक क्रिया, हिम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। बी इंजॉय द सीनरी, हमने आनंद लिया द सीनरी, दृश्य का, तो यहाँ पे इंजॉय हमारा सकर्मक क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट जो है द सीनरी है। द इंडियंस फॉर द टेररिस्ट, भारतीय टेररिस्ट लड़े, तो यहाँ पे फॉट हमारा जो है सेकेंड, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द टेररिस्ट, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। द बॉय स्पोक लाउडली, अकर्मक क्रिया है। द कार स्टॉप्ड सडनली, ये भी हमारा अकर्मक क्रिया है। ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है, तो यहाँ पर रिंग्स हमारा सकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट है द बेल, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, यह हमारा सकर्मक क्रिया नहीं अकर्मक क्रिया है। आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपने कार को रोक दिया, तो यहाँ पर माई कार हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्टॉप्ड हमारा सकर्मक क्रिया। द स्कूटर स्टॉप्ड देयर, स्कूटर वहाँ रुकी, तो यहाँ पर स्टॉप्ड हमारा अकर्मक क्रिया है। द हॉर्स ऑफ्टन किक्स, घोड़े अक्सर पैर से मारते हैं, अकर्मक क्रिया। माई हॉर्स नेवर किक्स, मेरा घोड़ा कभी भी किक नहीं मारता, ये भी हमारा अकर्मक क्रिया है। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी सहायता की, तो यहाँ पर हर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि फिर इसका मतलब ही हुआ कि हेल्प हमारा जो है सकर्मक क्रिया है,
इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। एक्सरसाइज नंबर 3, पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमको देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सेंटेंस जितने भी हैं सभी में ऑब्जेक्ट दिया गया है, अब हमें बताना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ए बुक हमारा डायरेक्ट है, मी इनडायरेक्ट, लोन हमारा डायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट, मी हमारा इनडायरेक्ट है, स्टोरेज हमारा डायरेक्ट है, बुक्स हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बॉयज हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी हमारा इनडायरेक्ट, बुक हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर ब्रदर, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हर ब्रदर भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई प्लेड फुटबॉल टूडे, तो यहाँ पर फुटबॉल हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सभी निर्जीव हैं ये सब। आई प्रिपेयर लंच फॉर माई फादर, यहाँ पे लंच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माई फादर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लास्ट है आई गेव हिम ए पेन, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से प्रत्येक सेंटेंस में लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर फोर कह रहा है कि डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से खाली स्थान भरें। यहाँ पे हमें कर्म को फिल करना है, वो कर्म हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, अथवा दोनों हो सकते हैं, सेंटेंस हमें बनाना है। तो राजेश टोल्ड मी ए स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। You have sold the house. Sentence complete हो गया। She gave me a pen. I have sung a song. SONG. I have paid the bill. BILL. I may give a book to him. He will get the prize. PRIZD. She can win the game. इस तरीके से प्रत्येक सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट किया गया। अब आगे है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रियाएं। ए वर्ब ऑब्जेक्ट ना होकर कंप्लीमेंट लेती हैं। इनके साथ कोई एक ऐसा वर्ड या शब्दों का समूह आएगा जिससे कि वो सेंटेंस पूरा हो जाए। लिंकिंग शब्द का अर्थ है जोड़ने वाले। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, बी वर्ब एवं बी के अन्य रूप। तो बी वर्ब हमारा है इजयमार, वाज और वर, ये बी के रूप हैं। अब बी के अन्य रूप में हमारा जिसके साथ भी जोड़ दिया जाए, जैसे सेल के साथ भी बिल भी, सेल भी बिल भी। अब बी के अतिरिक्त अनलिंकिंग वर्ब हैं, जैसे लुक है, सीम है, अपीयर है, प्रतीत होना, इन सबका अर्थ। बी कम, ग्रो, रिमेन, कम, गो, रन, फील, गेट, ये सभी हमारे बी के अतिरिक्त लिंकिंग वर्ब हैं। आगे है फ्रेजल वर्ब, संयुक्त क्रियाएं। यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है वह वर्ब जिनके बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग करने से उनका अर्थ बदल जाता है फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। जैसे एक्ट का अर्थ है कार्य करना, किंतु अगर एक्ट के साथ आन लगा दिया जाए तो प्रभाव डालना, एक्ट अपान कर दिया जाए किसी की सलाह पर कार्य करना, एक्ट फार, एक्ट के साथ फार लगा दिया जाए तो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करना। इसी तरीके से कुछ वर्ब्स यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेजल वर्ब। लगभग सभी वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है तब जाकर के हमारा फ्रेजल वर्ब बना। जैसे आस्क मीन्स होता है पूछना,
अब यहाँ पे आस्क के साथ फार लगाया गया तो जिसका अर्थ बदल गया मांगना। आप सभी को पता है कॉल मीन्स होता है बुलाना, लेकिन कॉल इन का अर्थ है सहायता के लिए बुलाना। कॉल ऑन मतलब मिलने जाना, कैरी आउट पागल पालन करना, कैरी ऑन जारी रखना। इसी तरीके से बहुत से फ्रेजल वर्ब होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, निम्न लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक बनाएं। यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ही इज नॉट एंग्री, द बॉय इज हैप्पी, द पेन इज कॉस्टली, सी इज ए टीचर, दे आर गुड बॉयज, माई फंड्स आर शॉर्ट, द बॉय इज इन द क्लास, इट अपीयर हॉट आउटसाइड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ही इज माई अंकल। एक्सरसाइज नंबर 6, मेक सेंटेंस बाई यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब। ही डिड नॉट सीम ए टीचर, वह टीचर नहीं प्रतीत होता है। ही इज इन ए हरी, डज ही लुक वाइज, ही आई एम नॉट एन ऑफिसर, सी इज ए टीचर, डिड ही लुक ए क्लर्क, इज ही इन अलाहाबाद, द बॉय इज ए प्योन, दे आर टू बी स्टूडेंट्स, ही इज इंटेलिजेंट। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कुछ वर्ब को छोड़कर अधिकतर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्री फॉर्म्स होती हैं। इन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एवं थर्ड फॉर्म कहते हैं। ए वर्ब दो भागों में बांटी जा सकती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है? जिसका सेकेंड और थर्ड V2 और V3 सेम हो, ED लगा हो। जैसे इसमें ED, इसमें भी ED, किल में भी लगा ED और यहाँ पे ED, तो इनको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। उसके बाद जिनका तीनों अलग हो या तीनों सेम हो उनको हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन, इन तीनों का स्पेलिंग अलग है, तीनों अलग हैं। ग्रो, ड्रीव, ग्रोन, इसका भी तीनों की स्पेलिंग अलग है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं इरेगुलर वर्ब। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हैं जिनका तीनों सेम है, कट कट कट, हिट हिट हिट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इनका तीनों सेम है, इसलिए इसको भी हम इरेगुलर वर्ब ही बोलेंगे। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।